आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव हम चेन रूल से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है और उसका डेरिवेटिव हम अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है या वाई के रिस्पेक्ट में करना है, जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है, तो हम डेरिवेटिव चेन रूल से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है कि आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसकी पावर 4। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रेशन डेरिवेशन करना है एक्स। ठीक है, तो मैं इसको y के इक्वल मान के चलता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल से देखो कैसे करना है। अगर मैं इसको u मान लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब डेरिवेटिव करेंगे हम y का विद रिस्पेक्ट टू u में। ठीक है, तो डेरिवेटिव y का करेंगे u के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पावर आ गई, u की पावर 3 बच जाएगी। और फिर ये तो u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया, लेकिन u आप लोगों ने क्या मान रखा है, u मान रखा आप लोगों ने x स्क्वायर प्लस x। अब u का डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर आ गई x की पावर 1 और फिर x का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमें dy by dx फाइंड करना है, तो dy by dx फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, dy by du मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। ये है हमारे पास चेन रूल, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की डी वाई बाई डी यू की वैल्यू आप लोगों के पास है 4 यू स्क्वायर। ठीक है, तो 4 यू का यू की पावर 3 और फिर हमारे पास इसकी वैल्यू है आप लोगों के पास 2x+1। ठीक है, अब यू की वैल्यू आप इसमें कर देंगे तो यू आपके पास है x की पावर 2 प्लस एक्स इसकी पावर 3 आ जाएगी और 2x+1 जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बता चल गया। जैसे और एग्जांपल लेके चलते हैं, ये दे रखे आपको, अब की बार स्टेटमेंट जो दे रखी है वो डिवाइड में दे रखी है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव देखो 3+4x/2-x इसकी पावर 2 दे रखा है और विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, और इसको मैं u मान लेता हूँ, चेन रूल से करना है तो किसी न किसी फंक्शन के इक्वल मान के चलना पड़ेगा हमें। तो लेट y इज इक्वल टू मैं इसको u मान लेता हूँ और u की पावर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और u आप लोगों ने 3+4x/2-x ये मान रखा है। अब डेरिवेटिव करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू u, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर आ गई, u की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, ये तो dy by du आ गया आपके पास। अब देखो u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u by v जो है इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। v क्या होती है, v as it is, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं u by v से तो क्या होता है हमारे पास, v as it is डेरिवेटिव हमें u का करना है माइनस अब की बाय प्लस अब की बाय u माइनस सॉरी माइनस यू एच डी डेरिवेटिव के बारे वी का करना है और डिवाइड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वी को हम एच डीज रखेंगे और डेरिवेटिव हम इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 का 0 और 4 एक्स का 4 आ जाएगा माइनस अब की बार 3 माइनस प्लस 4 एक्स तो एच डीज रहेगा और नीचे वाले स्टेटमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का तो 0 और ये माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड बाई वी का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 8-4 एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3+4x और डिवाइड बाई 2-x/2 आ जाएगा। अब 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11/2-x/2। ठीक है, ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मैं डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास आई है 2u मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू आप लोगों के पास आई है 11/2-x इसका होल स्क्वायर। अब u की वैल्यू आप इसको कर देंगे तो आपके पास 2 एचडीज और u की वैल्यू आई है 3+4x डिवाइड बाई 2-x और इसकी पावर तो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है और ये आ जाएगा 11/2-x इसकी पावर 2। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/3+4x और डिवाइड बाई
इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी 3 पावर, ठीक है, पता चलेगा। तो ये था चेन रूल। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल यू और वी के ऊपर लेके चलता हूँ कि अगर स्टेटमेंट हमारे पास यू और वी में दे रखी हो तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। जैसे आपके पास दे रखा है वाई इज इक्वल टू वी की पावर 3 प्लस 2v स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और v दे रखा है आपको 3u प्लस 1 और u दे रखा है आपको 9x प्लस 1। अब की बार हमें dy by dx ही फाइंड करना है, तो dy by dx फाइंड करने के लिए देखो अब की बार स्टेटमेंट जो है 3 दे रखी है आपको, ठीक है, तो इनका डेरिवेटिव करो। अब y की स्टेटमेंट v में है तो मैं dy by dv फाइंड कर लेता हूं, ठीक है, तो v फाइंड करेंगे तो 3v स्क्वायर प्लस 4v आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से v का डेरिवेटिव अब की बार u में दे रखी है तो du के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे हम, 3s चीज रहेगा, u का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब du by dx तो 9 आ जाएगा, ये 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों डेरिवेटिव है। अब dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, dy by du dv और मल्टीप्लाई में हमारे पास dv by du और मल्टीप्लाई में आ जाएगा du by dx, क्योंकि इसे कैंसिल तो dy by dx बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है 3v स्क्वायर प्लस 4v, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है 3 into, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है 9, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 27 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। u की वैल्यू, v की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, v की वैल्यू आप लोगों के पास ये है तो 3u प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 हमारे पास है, इस चीज v की वैल्यू 3u प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 27 चलता रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3 a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो 6u आ जाएगा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12u प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27u स्क्वायर प्लस 3 प्लस 18u आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 12u और प्लस 4, ठीक है। अब देखो 27 तो हमारे पास है, 27u स्क्वायर प्लस, अब u और u को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30, तो 30u और ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब u की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं तो u की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 27 तो चलता रहेगा, तो 27u की वैल्यू है आप लोगों के पास 9x प्लस 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है प्लस अब की बार है 30u, u की वैल्यू 9x प्लस 1 और प्लस का 7 जो है एच डी रहेगा, ठीक है। अब 27 तो चलता रहेगा, 27 इसके अगर आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो 81x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो 18x और प्लस का ये था अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 270x प्लस 30 और प्लस 7, ठीक है। अब इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 27 और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2187, तो 2187x स्क्वायर, इसकी इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस 18 की 27 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई करनी है 6, 5 और ये 21 और ये 7, 2 तो ये आ जाएगा 6, 8 और ये 4, यानी कि ये 4, 8, 6x प्लस ये 27x प्लस ये 37 हो जाएगा अगर दोनों को ऐड करेंगे तो। अब 27 ये आ जाएगा, इसको एच डीज रखेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 और ये 5, ये आ जाएगा 7, ठीक है, और x और ये ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 4 और ये 6, ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास 3 फंक्शन दे रखे हो और चेन रूल से उसको हमें सोल्व करना हो तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो था चेन रूल। इसके ऊपर जो है आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी एडवांस कैलकुलस में है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को आप जो है सोल्व कर सकते हो इस चेन रूल से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू।